असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फ्रॉम एसएसपी और यहाँ हमारे यहाँ गुरु पुराण पर्व के अनुसार पर यहाँ मेला मनाया जा रहा है जो 23 तारीख को ऐसी पर्वी है और यहाँ विदुर के हिसाब से विदुर कुटी महाराज के उसमें प्लस में या गंगा पास में तो यहाँ पर एक हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है जो 23 तारीख को सुबह मनाया जा रहा है। हिंदू की आस्था के अनुसार यहाँ कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं जैसे बच्चों का मुंडन हो गया और चीज़ें हो गए, गंगा के श्रद्धा के अनुसार लोग यहाँ नहाएंगे, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं जो अभी लगातार जा रही हैं, आज भी आएंगे, कल दोपहर तक आएंगे, परसों सुबह यहाँ कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग चले जाएंगे। और यहाँ योगी सरकार के अनुसार इंतजाम जो किए गए काफ़ी पुराने वर्षों के अनुसार यहाँ नेक्स्ट अच्छे से किया गया, इस बार फोर्स भी अच्छी तादाद में आई गई है, महिला कॉन्स्टेबल और अपने आरक्षी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक तक एसपी रैंक तक यहाँ बार बार गश्त पा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हो गए वो भी लगातार यहाँ गश्त कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था चाक चौकन्नी की गई है और आप यहाँ देख सकते हो नाव भी लगाई गई है, साथ में गश्त दल के लोग भी बैठाए गए हैं जो किसी किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। हिंदुओं के पर्व के अनुसार यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छे इंतजाम योगी सरकार के अनुसार किए गए हैं हिंदुओं के अनुसार, तो ये हमारे मेले की शुभकामनाएं हैं और हम अपनी तरफ से सभी हिंदू भाई सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, सभी खुश रहें, आराम से रहें और अपने घर में गंगा अच्छे से पहुंचे। गंगा निर्मल स्वच्छता को लेकर लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? लोग ऐसे ही है कि यहाँ पर लोग जैसे आए हैं लेकिन आजकल लोग बहुत जागरूक हैं और बहुत अवेयरनेस लोगों के अंदर कि पुराने हिसाब से यहाँ पर लोग आजकल गंदगी नहीं फैला रहे, काफ़ी डस्टबिन भी लगाए गए हैं साथ देख रहे हो, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हैं यहाँ पर अपना व्यवस्था के अनुसार जहाँ डस्टबिन लगाए गए हैं वहीं गंदगी कर रहे हैं। शौचालय के इंतजाम किए गए हैं? हाँ, जनता के लिए शौचालय इंतजाम किए गए हैं, पोर्टेबल शौचालय लगाए गए हैं, मोबाइल शौचालय लगाए गए हैं, बाकी जो जंगलों में शौचालय लगाए गए हैं उसके लिए अलग अलग सीटेड बनाए गए हैं, महिला शौचालय हिसाब से एक अलग व्यवस्था, पुरुष शौचालय हिसाब से एक अलग एरिया दी गई है जाने के लिए, प्लस वहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं सुरक्षा के जो लोग इधर उधर ना जाए। जी, ये गंगा जल स्नान का जो पर्व होता है अभी दो दिन पहले से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या इसके क्या महत्व है? इसका महत्व ये हमारा हिंदू धर्म में बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये दारानगरगंज महात्मा विदुर जी की तपोभूमि है, यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी भव्य मेला समारोह है, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं और मतलब फुल एंजॉय चल रहा है अच्छी तरह से, लोग एक दो दिन पहले से आए हुए हैं, दो दिन बाद मेला है, पर्व है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस के इंतज़ाम कैसे किए गए हैं? योगी सरकार में पुलिस के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, यहाँ जो शरारती तत्व है बहुत अच्छी तरह से शांत किए गए हैं। विश्वजीत जी, आप लोगों का इंतज़ाम जो है किस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर 18 तारीख से आप लोग मौजूद हैं? हमारे फायर सर्विस के तहत पूरे मतलब साज सज्जा के साथ पूरे अकॉर्डिंग और पूरी यूनिट साथ में है और फायर सर्विस से निमटने के लिए हम तत्पर हैं, अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके लिए हम तत्पर हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर फायर गंगा स्नान में कोई डूबने की वो रखता तो हम तैराक हैं, तैराकी से परिपूर्ण हैं और तैराक में बचाने डूबने वाले को बचाने के लिए सक्षम है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कप्तान साहब हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार सिंह, उन्होंने उनका इतना कड़ा इंतजाम है यहाँ, उन्होंने इतनी वो फोर्स लगा रखी है यहाँ कि मेले में कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए उनकी फोर्स सक्षम है। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करूँ आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन्स पेते।